नमस्कार मित्रों, मैं हूं जगदान झा और आज आप देख रहे हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग। और इस ब्लॉग पर हम लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे साइट्स जहां से आप पुस्तकें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुझे कई बार कई लोगों ने कहा कि संस्कृत की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने निश्चय किया कि कुछ ऐसे वेबसाइट से परिचित उन्हें कराया जाए जहां पर कि संस्कृत की पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती है और उसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक वेबसाइट के बारे में जानकारी न दे करके मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको बताए जाएं जहां से आप आसानी से संस्कृत पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम उन साइट्स के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। यहाँ 7 वेबसाइट के बारे में सूची दी गई है। एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से लगभग लिंक भी है। संस्कृत ई बुक्स का एक ये साइट है, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिंक लगा रखा है और इस पर क्लिक करते ही उसका साइट खुलता है। देखते हैं इस साइट पर क्या क्या सामग्री है और यहाँ हम कैसे पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके होम पेज पर आते हैं तो बाईं तरफ जो है यहाँ पर उसकी सूचना दी गई है, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं उसके बारे में यहाँ एक एक करके सूची दी गई है। दाहिने तरफ हम देखते हैं ये अपने ब्लॉग के बारे में बता रहे हैं, साइट के बारे में, और सबसे ऊपर में कैटेगरी करके रखे हैं, बायोग्राफी है, डिक्शनरी है, फ्री बुक्स हैं, ग्रामर हैं, लर्नर संस्कृत हैं। इस प्रकार से इन्होंने कैटेगरी में इसको विभाजित कर दिया है जिससे आपको पुस्तकें डाउनलोड करने में सुविधा हो। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे हर एक जगह पर जगत वचन वाहिनी के नीचे पर जगन्नाथ की कृति है ये, इसके बारे में यहाँ पर लिंक दे रखे हैं कि आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ईबुक है, पोएट्री है, संस्कृत का है, इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर देते हुए चलते हैं और हर जगह पर ये डाउनलोड के लिंक लगाए हुए हैं। ये तो रही बात, कहीं कहीं ये पुस्तक का ये एक फ्रंट पेज भी लगा करके रखे हैं और यहाँ पर ये सूची जारी किए हैं एक एक करके सीरीज माला से जो पुस्तकें छपी हैं जो लगभग अनुपलब्ध सी हो गई है वैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं सभी पुस्तकों के बारे में, और जो नई पुस्तकें आई है उसके बारे में अलग से ये न्यू करके लिखते हैं कि ये नई पुस्तकें इस पर डाल दी गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिप फोल्डर में भी इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कम से कम जगह ये छेके। एस जगन्नाथ की गंधावली का लिंक देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक टेक्स्ट सीरीज में भी ये हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट सीरीज में किस प्रकार के हैं, तो ये देखता हूँ एक हमें दूसरे लिंक पर ये लेकर के गया है जो US के आर्काइव पर लेकर के जाता है। आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे हम पुस्तकों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये लंबी सूची यहाँ पर उपलब्ध है। इस प्रकार एक तो ये है जो इनके होम पेज पर उपलब्ध है और दूसरा ये बुक्स डाउनलोड के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तीसरे में यहाँ सुभाषित के बारे में भी दिए हैं। ई बुक्स डाउनलोड में यहाँ पर संस्कृत डिक्शनरी है। इस प्रकार से बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ एक कमी ये नज़र आती है कि ये वर्णक्रम से नहीं है जिससे पुस्तकों को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर फिर से पहुँचते हैं इसके होम पेज पर और देखते हैं कि ग्रामर की किताबें कौन कौन सी हैं और लर्न संस्कृत को भी देखेंगे। यहाँ पर सूची दिए हुए हैं ग्रामर की, ये हैं, सिद्धांत कौमुदी के बारे में आप जानते होंगे, सरला व्याख्या यहाँ पर उपलब्ध है और इसको कंटिन्यू रीडिंग में करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसको खोज सकते हैं। चलिए फिर से हम लौटते हैं संस्कृत भाषी पर और एक दूसरे लिंक के ऊपर में विचार करते हैं जो कि संस्कृत डॉक्यूमेंट है। संस्कृत डॉक्यूमेंट के बारे में जब तक खुलता है तब तक मैं बता दूं कि यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, स्कैन की हुई पुस्तकें भी हैं
और संस्कृत से संबंधित बहुत सारी सामग्री यहाँ पर मिलती है। वस्तुतः यह एक एग्रीगेटर है जो हमें विभिन्न वेबसाइट का पता बताता है। इसके बारे में किसी दिन एक अलग से भी वीडियो हम जारी करेंगे। तब तक आप ये देखिए कि यहाँ मुख्य ग्रंथ में इसको विषय विभाजन किया है, वेद हैं, वेदों में भी सूक्त हैं, मंत्र है और स्वरांकित मंत्र भी मिलते हैं। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता है, ऐसे करके स्मृति में मनुस्मृति, ये मुख्य ग्रंथ आप इसको पढ़ सकते हैं। ये यूनिकोड फॉन्ट में टाइप किए हुए हैं। एक बार हम ये जाकर के देखते हैं कि अमरकोश में या नाट्यशास्त्र के बारे में ये किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर मिलती है। ये अभिनय दर्पण नाट्यशास्त्र के अध्याय हैं। आप एक बार ये 17वां अध्याय देख लेते हैं कि इस पर क्या सामग्री उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये यूनिकोड फॉन्ट में टाइप की हुई सामग्री यहाँ पर आपको मिलती है, यहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं। फिर हम वापस चलते हैं और देखते हैं और कुछ क्या है यहाँ पर। यहाँ पर जहाँ हम मुख्य ग्रंथ में थे, यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए थे, तंत्र की पुस्तकें, योग की पुस्तकें, ये सारे मुख्य ग्रंथ में हैं और हम इसको पढ़ सकते हैं। जो UGC की तैयारी कर रहे हैं वो सूक्त खोज रहे होंगे, यहाँ पर वो आकर के एक खोज सकते हैं। राइट क्लिक करके मैंने ये खोज लिया है और यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अनुभद्रा सूक्तम, गणपति सूक्तम, इस प्रकार से कई सूक्त जिसके मूल पाठ यहाँ पर उपलब्ध हैं दिए हुए हैं। सूर्य सूक्त और संज्ञान सूक्त को हम देखते हैं कि ये कैसे है। राइट क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं और सीधे भी खोल सकते हैं इसको। संज्ञान सूक्त के बारे में यहाँ पर मूल जो सूक्त हैं, समगच्छध्वम, संवदध्वम, संवोमनांसि जानताम, ये संज्ञान सूक्त यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ यूनिकोड फॉन्ट में टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं। साइट्स हैं यहाँ पर, कुछ साइट के दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं उसकी सूची है। और हमें जरूरी है यहाँ बताना बुक्स के बारे में, इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमें बताता है कि archive.com में बहुत सारी किताबें हैं और उसका लिंक भी ये देता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे लिंक हमें यहाँ पर उपलब्ध करा देता है कि इस साइट पर हम डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तो यहाँ पर भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हम यहाँ इसको एग्रीगेटर के रूप में पाते हैं और देख लेते हैं। ये ई बुक्स राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पर लगभग जहाँ भी ई बुक्स उपलब्ध हैं उसके बारे में आपको ये सूचना यहाँ उपलब्ध है। पर्सनल कलेक्शन में ये संस्कृत ई बुक साइट का दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी सूचना हमें यहाँ पर मिल जाती है। आप एक बार इस पर संस्कृत डॉक्यूमेंट साइट पर आइए और देखिए कि archive.com से लेकर के अन्य विभिन्न साइटों पर किस प्रकार से पुस्तकें उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं मेनी ऑफ द अवेलेबल बुक्स कैन आल्सो बी फाउंड द archive.com, और भी पुस्तकें जो इनको मिलते जाता है उसकी ये सूची यहाँ पर तैयार करते हुए चले जाते हैं, जिसकी एक वृहद सूची, बहुत बड़ा वेबसाइट का एक एग्रीगेटर इन्होंने बनाया है, बहुत सारे वेबसाइट का एग्रीगेटर है और वहाँ पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। जो स्पेशलाइजेशन के तौर पर पढ़ना चाहते हैं उनसे सुझाव है, व्याकरण के छात्र व्याकरण से संबंधित लिंक को यहाँ से छांट लें और साहित्य के लोग साहित्य से संबंधित लिंक को यहाँ से छांट लें। स्कैन कुछ किताब जो है, स्कैनिंग फैसिलिटी के बारे में भी इन्होंने दिया है जो PDF फॉर्म में आपको उपलब्ध होता है। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं आपको अलग से ये वेबसाइट आपको देता है। हम अधिक यदि यहाँ कहने लगेंगे तो बहुत अधिक लंबा ये वीडियो तैयार हो जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला किस साइट पर आपको जाना चाहिए। जैसा कि मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की चर्चा की थी, यहाँ पर इन्होंने ई बुक्स दिया है। इन ई बुक्स को विभिन्न परिसरों के द्वारा इन्होंने डिजाइन वो कंपोज कराया है यूनिकोड फॉन्ट में और इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने एक राइट क्लिक करके खोला है, अभिषेक नाटकम है ये, इसको गुरुवायु परिसर ने तैयार किया है। ये उसके बारे में सूचना और उसके बारे में
ये मूल अभिषेक नाटक हमें यहाँ पर टाइप में मिल जाता है। जिस किसी रिसर्चर को यदि खोजने में दिक्कत होती है, कई बार होता है आप रिसर्च पे पूरा थीसिस लिख लेते हैं और उसके संदर्भ ढूंढने में आपको कठिनाई होती है, आप बार बार पुस्तकें खोलते हैं, ऐसे छात्रों के लिए और बहुत सारे स्कॉलर्स के लिए इस प्रकार के वेबसाइट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो यहाँ पर कुल मिला करके ऐसे 116 पुस्तकों की सूची दी गई है जो विभिन्न परिसरों द्वारा है, आप यहाँ पर आकर के देख लेंगे और मूल रूप से पढ़ सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे हम इतना संस्कृत नहीं जानते हैं कि मूल रूप से उसको पढ़ सकें, तो आप PDF फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी मैं कई वेबसाइट का पता दिया है, आर्काइव का भी दिया है और आगे भी देने जा रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने डिजिटलाइज्ड बुक्स के बारे में दिया है जो PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध है। ये न्यू दिल्ली और इलाहाबाद में अवेलेबल हैं जिसको इन्होंने डिजिटलाइज किया है। ABCD के क्रम से इन्होंने किताबों को सजाया है। हम देखते हैं सी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये टाइटल और ऑथर के नाम से यहाँ पर किताबें उपलब्ध हैं। सी पर चारों धाम की यात्रा है, तो एक ऐसे नीचे से भी आप और कहीं पर जा सकते हैं, जे पर आप करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की किताबें उपलब्ध है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते हैं तो इसका यहाँ पर PDF फॉन्ट मिल जा रहा है और इस प्रकार से हम इस किताब को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन पुस्तकों को इसकी एक ही पेज इसका उपलब्ध है, दूसरे में जैन आगम साहित्य का हम देखते हैं कि कितना बड़ा ये है। यहाँ पर भी थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, खुलने तक हम आपको तब तक ले चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और एक आर्काइव के बारे में जहाँ पर संस्कृत की और भी विषयों की, तमाम विषयों की यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होती है। यहाँ पर आप जरूर आएं और यहाँ से बहुत सारी पुस्तकों को पा सकते हैं। फिर हम चलते हैं, देखते हैं, अभी तक ये काफ़ी समय ले रहा है, जब तक कि ये डाउनलोड नहीं होता है हम आर्काइव पर चर्चा करते हैं। आर्काइव पर आने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अबाउट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग, प्रोजेक्ट, ये सारे चीज़ें हैं। हमें देखनी है कि किताबें कहाँ से मिलेगी, ये फ़ोटो दिए हुए हैं टेक्स्ट का और हम यहाँ पर टेक्स्ट पर चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये वेब पेज का लिंक है, ये टेक्स्ट का लिंक है। टेक्स्ट के लिंक पर जाने पर हम देखते हैं कि ये हमें क्या कुछ उपलब्ध कराता है। आप इसके होम पेज को भी देख सकते हैं, बार बार जब इस लिंक को देखेंगे तो लाइव म्यूजिक भी सुन सकते हैं। बहुत सारी सामग्रियाँ यहाँ पर उपलब्ध है, इनमें से संस्कृत से संबंधित भी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। हम बुक फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ आकर के देखते हैं कि यहाँ पर बुक में क्या है। ये खुल रहा है फ्री बुक डाउनलोड के लिए। आप ऐसे ई बुक्स एंड टेक्स्ट पर आ गए, अब खोजना ये है, आप नीचे की ओर आते जाइए। यहाँ देख रहे होंगे कि कितनी पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल है, किस किस ईयर की पुस्तकें यहाँ पर स्कैन करके डाली हुई है, टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर है। आप चाहें तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो टॉपिक। लैंग्वेज में हम आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, मोर पर क्लिक करते हैं। मोर पर क्लिक करते ही यहाँ हमारे पास आ जाता है संस्कृत का, ABCD क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आपको ज़्यादा असुविधा हो रही हो, इतनी सारी लैंग्वेज की बातें हैं, हिंदी की भी किताबें हैं, संस्कृत को खोजने में ज़्यादा तकलीफ हो, तो एक साधारण सा उपाय है, आप कंट्रोल F दबाएं और यहाँ पर लिखें SANSKRIT संस्कृत। जो ही करते हैं तो यहाँ पर आपको संस्कृत जल्दी से जल्दी खोज करके उपलब्ध करा देता है। ये आप हर जगह पर ये चीज़ें कर सकते हैं। संस्कृत पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई फॉर फिल्टर्स पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमें फिल्टर करके संस्कृत की किताबों को यहाँ पर उपलब्ध कराता है जिसकी संख्या 61,996 है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं संस्कृत की किताबें नहीं मिलती है, इसीलिए आज मैं आपको ऐसे वेबसाइट से परिचय कराने जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारी किताबें
उपलब्ध हैं। आप यदि कोश पढ़ना चाहें तो संस्कृत हिंदी कोश कर लीजिए। बहुत सारे भुवन वाणी प्रकाशन के ऐतरेय उपनिषद देख रहे होंगे आप, इतनी पुस्तकें हैं कुल मिलाकर के, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हुई लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज के थ्रू आपने खोजा है। और यहाँ पर आप टॉपिक्स और सब्जेक्ट में भी चले जाइए, लैंग्वेज के ऊपर में आएंगे तो आ जाएगा सीडैक की किताबें हैं, संस्कृत के है, वंशावली की है, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, और भी बहुत सारी विषयों की यहाँ पर हैं। आप इसमें भी फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करके किताबों को आप कर सकते हैं। जैसे आप शारदा पांडुलिपि के बारे में अक्सर शोध प्रविधि में पढ़ाया जाता है, संस्कृत व्याकरण के बारे में भी पढ़ाया जाता है। नवल किशोर प्रकाशन बहुत ही अच्छा प्रकाशन है रहा है, लखनऊ से ये प्रकाशित किताबें करता रहा है। इस प्रकार से बहुत प्रकाशकों का और इस प्रकार से बहुत सारे कलेक्शन भी यहाँ पर है। जैसे मैं तंत्र से संबंधित किताबें यहाँ पर खोजता हूँ और फिल्टर कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर सूची में तंत्र से संबंधित 163 किताबों की सूची आती है। और भारतीय तंत्र शास्त्र, भैरव हृदयम, योगिनी हृदयम, ये सारी तंत्र की पुस्तकें जो हैं यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी किताबें, हर विषयों की सामग्री यहाँ पर आपको उपलब्ध है। अब रही बात इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं इसको भारतीय तंत्र शास्त्र है, इसको हम, ये व्यू है, ये यहाँ आ गया। ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद आप इन किताबों को डाउनलोड करेंगे। जब तक कि ये खुलता है हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इन पुस्तकों को, हम वन बाय वन पेज उल्टा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ वो पढ़ने की सुविधा भी दी हुई है, ऐसे करके आप किताबें पढ़ सकते हैं, वन पेज व्यू कर सकते हैं, डबल पेज में इसको देख सकते हैं, ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। साउंड की भी सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ से आप किताबें भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी दिन हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे साइन अप कर दिया जाता है और कैसे किताबें यहाँ से डाउनलोड भी की जा सकती है। तो हम अब यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ आ गए। ये sanskrit.nic.in जो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का वेबसाइट है, यहाँ ये पुस्तक का लिंक खुल गया है और यहाँ पर हम देखते हैं चौखंबा से प्रकाशित किताबें उपलब्ध है और इस किताब को आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक हमने संस्कृत भाषी ब्लॉग पर देखा संस्कृत ई बुक्स, संस्कृत डॉक्यूमेंट, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और आर्काइव की किताबों के बारे में जान लिया। अब आगे हम चलते हैं संस्कृत विकी स्रोत पर। आप विकिपीडिया का नाम जानते होंगे, विभिन्न भाषाओं में विकिपीडिया उपलब्ध है, संस्कृत में भी विकिपीडिया है और उसी विकिपीडिया का एक अंश, एक भाग विकी स्रोत है। यहाँ पर वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आगम साहित्य आदि विषयों पर मूल पुस्तकें, टेक्स्ट पुस्तकें उपलब्ध है, यहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। चलते हैं इसके वेबसाइट पर sa.wikisource.org, यहाँ हम पहुँचते हैं, इसके मुख्य पृष्ठ पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस विकी स्रोत पर, संस्कृत विकी स्रोत पर क्या क्या चीज उपलब्ध है। तो आप देख रहे होंगे श्रव्य साहित्य के दिए हुए हैं, यहाँ वर्ग सर्वस्व में किन किन विषयों की किताबें यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। आप यदि वेद पर यहाँ क्लिक करते हैं तो वेद से संबंधित सारी पुस्तकें आपको फिर उपवर्गों में विभाजित करता है, अथर्ववेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और जब उस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे ऋग्वेद पर हम कर लेते हैं तो ऋग्वेद में ये उपवर्ग इसके भी आ जाते हैं और यहाँ से कौशिकी ब्राह्मण, यहाँ किताबें आप देख सकते हैं। तो हम इसको और भी विस्तार से दिखाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करा दूं इसके बारे में। यहाँ पर और भी पुस्तकालयों का ये दिया गया है, यहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। ये मैं जैसा कि कह रहा था, विकिपीडिया है, विकिसूक्ति है, विकी शब्दकोश है, विकिमीडिया है, मोटा विकी है। तो यहाँ से आप अलग अलग जगह पर जा भी सकते हैं, इसकी सहायक परियोजना है। यहाँ से आप किताबें कोई भी देख सकते हैं, आपकी रुचि यदि साहित्य में है तो हम साहित्य पर आ जाते हैं, अलंकार, चंपू, नाटक, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, स्तोत्र साहित्य, इस प्रकार से काफी किताबें उपलब्ध हैं। देखते हैं अलंकार में
कितनी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें, तो देखते अलंकार सर्वस्व काव्य प्रकाश, ये सारी किताबें अलंकार से संबंधित इतनी मूल पुस्तकें उपलब्ध है। आप बहुत सारी इनमें से किताबें पढ़ भी चुके होंगे, अलंकार सर्वस्वों पर ही हम करके देखते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये अलंकार सर्वस्व संजीवनी पर क्या उपलब्ध है, वही यूनिकोड फॉन्ट में यहाँ पर टाइप की हुई सामग्री मुझे मिल जाती है और हम आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी यह उन रिसर्चर के लिए है, उन स्कॉलर्स के लिए है जो लोग संस्कृत में सामग्री खोजते रहते हैं। आप गूगल पर कोई भी छोटी सी पंक्ति लिखते हैं तो यही जो साइट है खुलता है और यही आपको मदद कर देता है। तो विकी स्रोत पर भी आप आकर के पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। आइए बार बार अभ्यास कीजिए और देखिए यहाँ किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। अब हम चलते हैं आगे एक अगले वेबसाइट पर जिसका नाम है भारत विद्या, ईश्वर योग, सरदर्शन, उपनिषद, जैन बौद्ध आदि विषयों पर संस्कृत की पुस्तकें उपलब्ध है। साइट पर हम क्लिक करते हैं, भारतीय विद्या का साइट खुल करके आता है। ऊपर में देखते हैं योगा, डिक्शनरीज, मंत्रा, ये रामचरितमानस है और संस्कृत टेक्स्ट है। मैंने इसके साइट पर विजिट किया है और मंत्र पर भी देखा, साउंड भी दिया, लेकिन यह बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है। संस्कृत टेक्स्ट को ही देखना उचित होगा। यहाँ हम जब आते हैं तो देखते हैं संस्कृत टेक्स्ट में यहाँ क्या क्या चीज उपलब्ध है। ये एम और ऑब्जेक्ट्स करके दे रहे हैं, दाएं और बाएं, ये इस साइड में दाहिनी ओर और इस साइड में बाईं ओर उपनिषद से संबंधित ये लिंक लगा रखे हैं। ईशावास्य उपनिषद पर करते हैं तो यहाँ पर मूल रूप में ईशावास्य उपनिषद हमें देखने को मिल जाता है। तो न्याय नव्य न्याय की भी है। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और इस प्रकार से बहुत सारी किताबें इन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराई। ये एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये एक स्पेशल साइट है जो योग के ऊपर में और हठ योग विशेष करके इसी के ऊपर में इन्होंने उपलब्ध कराया है। और जगह से जो लोग योग पर देखना चाहेंगे यहाँ पर देखना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा और यहाँ से खोजने में उनको ज़्यादा सुविधा हो जाती है। कई ऐसे मैंने साइट देखे हैं, देखिए आप यहाँ सुन सकते हैं, मैंने क्लिक कर दिया है, कई ऐसे साइट मैंने देखे हैं। भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, तो जहाँ पर बहुत ही अशुद्धियाँ मुझे मिलती है या अभी वहाँ पर अशुद्धि संशोधन में ही चल रहे हैं, आप इन जगहों पर जाकर के देखेंगे। और यदि आप मूल पुस्तक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो कहाँ अशुद्ध पाठ हैं और कहाँ शुद्ध पाठ, ये आप खुद ब खुद सुनिश्चित कर लेंगे। अंत में मैं आपको ई पुस्तकालय पर लेकर के चलता हूँ, बहुत ही आसान है यह। और यहाँ पर इस ई पुस्तकालय पर आपको वही पुस्तकें उपलब्ध हैं जो आर्काइव पर उपलब्ध है। आप यहाँ लेखकों की सूची से भी खोज सकते हैं, सभी पुस्तकों पर क्लिक करके इस प्रकार से श्रेणी के अनुसार से भी खोज सकते हैं। जैसे मैं लेखकों की पुस्तकें खोजूंगा और मैं बस आज इतने ही करता हूँ, कल आप और भी देखते रहिएगा, फिर से हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अभी सभी लोगों को धन्यवाद। आप आते रहिए, हमारे वेबसाइट को देखते रहिए, यहाँ पर इसी प्रकार की बहुत सारी सामग्रियाँ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।